रक्षा करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को बनाया और उसमें अपना तमाम नेताओं ने जान दी, जीवन दिया और इस देश का निर्माण किया है। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहती हूँ अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से और खास तौर से इस देश की जनता से,
इस देश के एक एक नागरिक से ये मेरा आग्रह है, इस चुनाव को आप अपने मुद्दों पर लड़वाइए। जो आपके जीवन का अनुभव है वही सत्य है, वही सच्चाई है। जो आपको दिखाई दे रहा है टीवी पे, इश्तिहारों पे, होर्डिंग्स पे, ये सच्चाई नहीं है। जो ये मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है, गाजा बाजा ये सब, जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करके गद्दी पर सुरक्षित रहेंगे, उनको सच्चाई दिखाइए। क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव पर उतर कर अपना वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपनी सच्चाई, अपने सत्य, अपने अनुभव के आधार पर इस देश के निर्माण को नहीं करवाएंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और हम ये हालात बदलना चाहते हैं, हम आपके हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, कि सब सुविधाएं आपको मिलें, कि देश की सारी संपत्ति आपके हाथों में जाए। इसीलिए ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए, ये चुनाव इस देश के लिए होना चाहिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इसी आधार पर आपका वोट जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लंबा मैं बोली, अध्यक्ष जी को भी बोलना है, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद। धन्यवाद मैडम। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी से, खड़गे साहब से, प्रियंका जी से और हमारे संपूर्ण मंच से कि देश का विजन न्याय पत्र 2024 राजस्थान की जनता के लिए यहां पे जारी करें। धन्यवाद सम्मानित मंच। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने 7 साल की उम्र के अंदर दबंगों द्वारा अपना घर जलते हुए देखा है, उस घर में अपनी मां और बहन को जलते हुए देखा है, उस संघर्ष से यहां तक पहुंचने वाले और राजनीति के अंदर मांगे अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि जो हमारी राज्यसभा की सदस्य बनने के बाद में पहली बार हमारी वीरभूमि के अंदर पहुंची है, जो कर्मचारियों के साथ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष दोतासरा जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी, उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों,
कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बलबूते पराधीनता के घोर अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मद्दीम पर गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी उजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चांद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मूल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों
और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं। गरीब जितना जोर लगा ले उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम सोनिया गांधी जी। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखे, जिन्होंने दशकों से अपने सामने चुनाव लड़ने वालों को धूल चटाई है। मात्र 82 साल की उम्र तक एक चुनाव में हारे हैं, बाकी कहीं भी चुनाव लड़े सारे चुनाव जीते हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, जोरदार एक बार नारा, मल्लिकार्जुन खड़गे। धन्यवाद। आज के इस चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हमारे सीपीपी के अध्यक्ष और कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और इस मौके पर जो हमारे को सभी को संबोधित किए, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारास जी, महासचिव पवार जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी यहाँ पधारे, सभी पदाधिकारी गण और विशेष करके और हमारे बहुत से नेता इस मंच पे बैठे हैं, मैं उस सभी का नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोगों की बात सुनने के लिए। अब सारी चीजें प्रियंका गांधी जी ने हमारे घोषणा पत्र का एक एक करके आपको बताया और जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे।
हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं है। जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया, कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है, क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने ये कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख? अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई, वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा, उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि MSP रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए, क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं 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 बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद, उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान है, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, देख
नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया देखिए, इंदिरा गांधी नहर ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे आज इंदिरा गांधी नहर से लोग किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजा बांध भिलवाड़ में हमने बनाया। मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है, तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया मैंने। आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था। अब मोदी क्या कर रहे हैं, उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो, और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है, बगैर काम करते हुए बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया एम्स, किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, एचएएल बीएल बीएचईएल, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है, और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं, और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने हमने तो हिमाचल में गारंटी दी, और प्रियंका जी यहां है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को
भ्रमित करते हैं, दिशाभूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई, हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत उनमें नहीं है, सिर्फ गालियां देने की है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां दे, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे, तुमने देश के लिए क्या किया? ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापिस। तो ये जो हमेशा अब फॉरेन पॉलिसी उनकी, विदेश नीति, विदेश नीति में भी उन्होंने हर बार कहा देश मजबूत हुआ। ठीक है, मजबूत भी हुआ। हमारे जमाने में तो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया, ऐसा कोई उदाहरण है? अरे यहां चाइना वाले आके आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं, घर बन रहे हैं, विलेज के नाम बदल रहे हैं, टाउन के नाम बदल रहे हैं, और उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ कि मैं मजबूत हो गया, मेरी 56 इंच की छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती तुम्हारे पास रख लो, और तुम्हारी 56 इंच है, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है, एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे और क्या है। तो ये जो मोदी जी, ये लोगों को कुछ नहीं किए, इसीलिए आज हमने 5 गारंटी और 20 उसके तहत 25 गारंटी हम दे रहे हैं सबके लिए, युवाओं के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के लिए दे रहे हैं, किसानों के लिए दे रहे हैं, और हमारे दूसरे कारागार के लिए दे रहे हैं, श्रमिक को दे रहे हैं। ये सब 5 गारंटी हम इसलिए दे रहे हैं कि उनका जीवन सुगम हो, लेकिन इसके बारे में मोदी कभी बात नहीं करते। जो बात आपके तरफ से पार्लियामेंट में करता है, राज्यसभा में करता है, उनको सब बाहर डालते हैं। हम जब यहां पर सेशन चल रहा था, दिल्ली की लास्ट सेशन में, इन्होंने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालकर सदन चलाया। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हमको बाहर डाल के अगर आप सदन चलाते हो तो आप कौन से डेमोक्रेसी में हैं? इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं है, या ये लड़ाई सिर्फ आपको कुछ देने की बात नहीं है। सबसे बड़ा ये जो लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना, और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। जब तक देश का संविधान सुरक्षित नहीं होगा, किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकाले। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजोरिटी दो
इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के हिफाजत के लिए, दूसरों के लिए नहीं। डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, आपके लिए जो कुछ मिला है, आजादी के बाद मिला है, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो डॉप्टिंग कमेटी के चेयरमैन होकर जो कुछ इस मुल्क के गरीबों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, महिलाओं के लिए जो दिया है, उसको बचाना है। ये लड़ाई है, ये मेन मुद्दा है। इस लड़ाई को आप कामयाब कीजिए, आपके साथ हम हैं। और कोई कितने मोदी आने दो जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो कोई इस देश में डेमोक्रेसी को मिटा नहीं सकता, संविधान को निकाल नहीं सकता। इस आपकी ताकत की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका सपोर्ट आने वाले 2024 में दो। और एक तरफ हमारी गारंटी आपके पास है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है। इतना कहते हुए मैं अपने चार शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिंद। अरे जोर से बोलो, यहां से दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। मोदी अगर सो भी गए तो उठना चाहिए, क्या गड़बड़ हो रहा। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। हम आग्रह करूंगा धन्यवाद के लिए आदरणीय प्रताप सिंह जी खासरेवास पधारे और सभी आए हुए अतिथियों को धन्यवाद दें। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, हारे का सहारा। आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं, पूरा देश मेरी आवाज सुन रहा है। कांग्रेस के साथ खाटू श्याम बाबा तीन बाणधारी हमारे साथ है। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप देख लेना, क्योंकि बाबा श्याम का आशीर्वाद जब मिलता है तो कांग्रेस की सरकार बनती है। पूरे देश में लोग दुखी और परेशान है। राजस्थान में हमारे नेताओं ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। आप सब लोगों से कहूंगा, एक ही दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दो कि राजस्थान की 25 जीतेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दो। और सब लोगों से कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।